करीब 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहां पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं जिसमें कि व्हीकल या हैवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसीज में लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और उन्होंने हॉस्पिटल गए हैं वो सारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ओनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। सर, कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें? देखिए इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस सर्टन कर रहे हैं, सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर असर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर बिल्डिंग वैध थी या वैध थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। करीब 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहां पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं जिसमें कि व्हीकल या हैवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसीज में लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और उन्होंने हॉस्पिटल गए हैं वो सारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ओनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। सर, कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें? देखिए इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस सर्टन कर रहे हैं, सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर असर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर बिल्डिंग वैध थी या वैध थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है।